हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल वॉस कुकिंग में स्वागत है। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एगलेस डिलीशियस टेस्टीज वेनिला स्पॉन्ज केक। और ये केक मैं बनाने वाली हूँ प्रेशर कुकर के अंदर, विदाउट ओवन और विदाउट एग। ये केक बनाना सच में बहुत ही आसान है और आप देख सकते हो ये बहुत ही स्पॉन्जी और बहुत ही सॉफ्ट बना है। तो चलिए ये टेस्टी डिलीशियस रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। ये इस रेसिपी में लगने वाले इंग्रेडिएंट्स है और ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखे हैं। ये रेसिपी बनाने के लिए पहले हम लेंगे एक मीडियम साइज का बाउल और उसमें हम डालेंगे 50 ग्राम बटर। जो अमूल बटर का एक स्लैब आता है हम उसे का आधा इस्तेमाल करेंगे। बटर डालने के बाद मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है कंडेंस मिल्क का, जो आपको आसानी से किसी भी शॉप में मिल जाएगा। आप यहाँ पे अमूल का जो मिठाई मेड आता है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 150 ml का इस्तेमाल किया है, यानी कि आधा कप। इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे तब तक जब तक बटर इसमें आसानी से पिघल नहीं जाता। तो आप देख सकते हो कि बटर पिघल चुका है। अब हम इस बाउल के ऊपर रखेंगे ये छन्नी और इसमें मैंने डाला है 100 ग्राम मैदा। मैं यहाँ पे आधा किलो का केक बना रही हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ पे 100 ग्राम मैदे का इस्तेमाल किया है। एक चम्मच बेकिंग पाउडर, एक चौथाई चम्मच मैंने यहाँ पे लिया है बेकिंग सोडा। ये दोनों चीज़ें अच्छे से मेजरमेंट करके डालिए। फिर हम इस मैदे को अच्छे से छान लेंगे। ये हम इसलिए करते हैं ताकि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा अच्छे से मिक्स हो जाए और केक के बैटर में गुठलियाँ ना पड़े। अब हम इस मैदे को अच्छे से मिक्स करेंगे तो इसलिए हम इसमें डालेंगे दूध। दूध हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप डालेंगे क्योंकि हमें केक का बैटर ज़्यादा पतला भी नहीं करना है और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है, इसलिए हम इसमें धीरे धीरे दूध डालेंगे। आधा किलो का केक बनाने के लिए साधारण 50 ml दूध लग जाता है। तो आप इस तरह से स्टेप बाय स्टेप डालोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना दूध लगेगा। तो हमें बैटर इसका इस तरह से चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं और ज़्यादा पतला भी नहीं। और फिर हम इसमें डालेंगे एक चम्मच वेनिला एसेंस, इस स्पॉन्ज केक को वेनिला फ्लेवर देने के लिए। और इस वेनिला एसेंस को भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इस बैटर को हम थोड़ी देर फेंट लेंगे। तो आप देख सकते हो कि हमारा केक का बैटर रेडी हो चुका है। अब हम केक टिन लेंगे। ये मैंने यहाँ पे आधा किलो के टिन का इस्तेमाल किया है और इस टिन के ऊपर हम लगाएंगे थोड़ा सा बटर। इस बटर को हम पूरे पैन में अच्छे से फैला लेंगे। बटर लगाने के बाद हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा मैदा और इस मैदे को भी हम पूरी तरह से पैन में फैला लेंगे। ये हम इसलिए करते हैं ताकि जो केक है वो टिन में चिपका ना रहे, वो आसानी से निकल के बाहर आ जाए। और जो ज़्यादा का मैदा है इसे हम इस तरह से निकाल लेंगे और फिर हम इस टिन के अंदर डालेंगे ये केक बैटर। अब हम इसे सिर्फ हल्के से शेक करेंगे ताकि ये जो बैटर है वो इवनली टैन में फैल जाए। ये केक हम प्रेशर कुकर में बनाने वाले हैं तो इसलिए हम लेंगे प्रेशर कुकर। मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप पुराना प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कीजिए क्योंकि केक बनाने की वजह से वो थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे ये कुकर लिया है और उसमें डाला है मैंने नमक और उसका जो बॉटम है वो नमक से पूरी तरह से मैंने ढक लिया है। अब हम इस कुकर को प्री हीट करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम आंच पे। इस कुकर की मैंने सीटी और जो रबर का गैस्केट है वो निकाल लिया है। ये कुकर अच्छे से प्री हीट हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे रिंग। रिंग और नमक की वजह से केक का जो बॉटम पार्ट है वो जल्दी से जलता नहीं और केक बहुत अच्छे से बेक होता है। और इस रिंग के ऊपर हम रखेंगे ये केक का बैटर और इसे हम अच्छे से बंद करेंगे
गैस का फ्लेम आपको यहाँ पे स्लो रखना है और धीमी आंच पे हम इसे 30 से 35 मिनट के लिए बेक करेंगे। मैं आपको बोलूँगी कि आप मोबाइल में अच्छे से टाइमर लगा के टाइम चेक कीजिए। 35 मिनट के बाद हम इस कुकर का ढक्कन खोलेंगे। बहुत ही ध्यान से आपको इसे खोलना है। तो आप देख सकते हो कि ये केक हमारा पूरी तरह से रेडी हो चुका है और ये काफ़ी फ्लफी और स्पंजी लग रहा है। ये अच्छे से बेक हुआ है कि नहीं ये देखने के लिए हम एक टूथपिक लेंगे और इसके अंदर डालेंगे। तो ये पूरी तरह से क्लीन है, केक अच्छे से बेक हो चुका है। अब हम इसे तुरंत कुकर के अंदर से निकाल लेंगे। इसे आपको बहुत ध्यान से निकालना होगा। तो आपने देखा ये केक कितना फूल चुका है और काफ़ी फ्लफी हो चुका है। इस केक को हम तुरंत ही इस टिन में से निकाल लेंगे। तो आपने देखा ये केक कितनी आसानी से निकल के आ चुका है। आप इसी तरह से और भी कई केक आराम से बना सकते हो, बस इसके मेजरमेंट प्रॉपर होने चाहिए। और ये बहुत ही टेस्टी और स्पॉन्जी लग रहा है। तो इसे हम थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे, ये ऑप्शनल है, आप इसे ऐसे ही खा सकते हो। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा कंडेंस मिल्क लगाया है और फिर हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ी सी कोको पाउडर, या फिर आपके पास चॉकलेट पाउडर है तो आप उसे भी इसके ऊपर डाल सकते हो। इसे हम पूरी तरह से कवर करेंगे और इसे साइड में मैंने थोड़ा सा व्हाइट चॉकलेट लगाया है। आप यहाँ पे मिल्की बार या फिर डेयरी मिल्क, आप किसी भी चॉकलेट का इस्तेमाल कर सकते हो। ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए मैं कर रही हूँ, ताकि ये केक दिखने में और भी टेस्टी और भी डिलीशियस लगे। तो आपने देखा कि ये केक घर पे बनाना सच में बहुत ही आसान है। तो मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ। तो देखिए ये कितना फ्लफी और स्पॉन्जी लग रहा है। तो लीजिए आपका टेस्टी डिलीशियस स्पॉन्जी वेनिला केक रेडी है। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसी तरह से और भी कई केक की रेसिपीज़ डालने वाली हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।